फ्रेंड अभी हम लोग फाइनली कुंड में नहा धो के फ्रेश होके अभी प्रवेश गेट के पास हैं, जो कि यहाँ पे भव्य प्रवेश गेट है, देख सकते हैं गाइस, रामरेखा धाम का यहाँ पे। सो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं, ये है प्रवेश गेट, जो कि यहाँ पे एक बरगद का पेड़ है, यहाँ पे देख सकते हो गाइस। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं रामरेखा, दिल लड़ गए जैसे बाइक में जा रहा। तो गाइस ब्लॉगिंग भी पूरा बने रहना, पूरा रख रखा था सब लोग। सो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो गाइस, काफी खूबसूरत सा नदी है, बहुत बड़ा नदी है, यहाँ पे इतना मजा आ रहा है, पहाड़ी पहाड़ है, खूबसूरत व्यू नज़ारा देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो फ्रेंड फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गाइस, देख सकते हो इतना खूबसूरत नज़ारा, रोड पहाड़ हो गए रोड यार। खाली पहाड़ी पहाड़ है इधर, देख सकते हो इतना ज्यादा चढ़ान है, चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा देखते हैं, चढ़ जाना चाहिए गाइस, बाइक जवाब ना दे देगा। एक गियर में चढ़ा, नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है का। यो देख सकते हो कितना हेवी मोड़ है, इतना हेवी टर्निंग है, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गाइस, देख सकते हैं जो रहा ऊपर है, व्यू काफी दिख रहा है, मुर्गा मुर्गा खाली चढ़ने में लगा हम लोग को,
सो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो इतना हैवी है टर्निंग जो कि फर्स्ट बार रामरेखा धाम टूर जो कि मजा आ रहा है बहुत भारी टाइप से। ओ भाई सो फ्रेंड यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जो कि रामरेखा धाम का बगल वाला सो गाइस देख सकते हो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये रहा मेन गेट गाइस रामरेखा धाम, ये रहा मेन गेट। हम लोग एंट्री कर चुके हैं पावन धाम रामरेखा धाम। जय सिया राम। सो फ्रेंड हम लोग फाइनली एंट्री कर चुके हैं जो कि इस तरह से सो गाइस इधर का व्यू दिखा देते हैं आप लोग, काफी खूबसूरत लग रहा है जो कि पहाड़ी पहाड़ भाई। सो गाइस यहाँ पे काफी खूबसूरत लड़कियां भी आती हैं। ओ भाई काफी उछल का। सो फ्रेंड यहाँ पे स्कूल भी है, प्राथमिक रामरेखा एक विद्यालय है। सो गाइस यहाँ बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में। सो गाइस यहाँ पे टिकट मिला हम लोग को, एंट्री टिकट 20 रुपये। सो गाइस देते हैं इनको, ठीक है। सो फ्रेंड हम लोग आए थे वहाँ से, देख सकते हो गाइस छोटा छोटा दिख रहा है वहाँ से। अभी हम लोग यहाँ काफ़ी खूबसूरत व्यू देखने को मिल रहा है। ओ एम जी यार इतना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है, हम लोग आसमान जैसी आराम। सो फ्रेंड इतना खूबसूरत जगह जो कि देखने को मिलता है हमारे छाया में चलते हैं। सो फ्रेंड यहाँ गाड़ी पार्क करते हैं हम लोग छाया में और पूरा व्यू पूरा नज़ारा दिखाते हैं आप लोगों को। बने रहे गाइस ब्लॉग में, बहुत मज़ा आने वाला है। सो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो गाइस ये है नहाने वाला स्थल जो कि यहाँ पे नहा रहा है। काफ़ी दूर दूर तक नज़ारा खूबसूरत है गाइस यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ आने के बाद जन्नत का महसूस हो रहा है गाइस, जन्नत 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 जो बोलते हैं ना, जन्नत का एहसास दिला रहा है पूरा। काफ़ी दूर दूर तक व्यू ही व्यू, खूबसूरत नज़ारा मिल रहा है गाइस। सो फ्रेंड बने रहे गाइस ब्लॉग में, बहुत मज़ा आएगा आज का ब्लॉग। सो फ्रेंड यहाँ पे फाइनली हम लोग रामरेखा मेन जो कि मेन यहाँ पे श्री राम जी का निवास स्थल प्रवेश कर चुके हैं हम लोग। सो गाइस यही है मेन और आप लोग देख सकते हो ऊपर जय श्री राम का लिखा हुआ वहाँ पे रामरेखा धाम। सो गाइस वीडियो में देखते हैं आप लोग तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। फाइनली यहाँ आके ऐसा एहसास हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रहा है यहाँ आके।
तो फ्रेंड आप लोग कभी टूर प्लान बने तो रामरेखा धाम आना बहुत ही मज़ा आएगा। सो गाइस देख सकते हो सामने छोटा छोटा घर भी दिख रहा है, इतना नीचे है वहाँ पे जो कि यहाँ आदमी लोग भी बसा हुआ है। सो गाइस यही है रामरेखा धाम, दिखाएंगे पूरा नज़ारा आप लोगों को, ब्लॉग बने रहे। सो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो श्री राम वन गमन पथ जो कि यहाँ पे, और यहाँ पे श्री राम का जो शुभ पानी यहाँ पे जो कि नहाता है आदमी लोग यहाँ आने के बाद। सो गाइज यहाँ पे पवित्र गंगा कुंड जो कि मेन कुंड है गाइज, आप लोगों को पता नहीं होगा। सो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो गाइज रामरेखा का सबसे महत्वपूर्ण पवित्र गंगा कुंड जो कि आप लोगों को पता नहीं होगा, देख सकते हो गाइज यही है कुंड जो कि यहाँ पे भी, यहाँ पे भी नहाने के लिए सारा सुविधा बना हुआ गाइज यहाँ पे देख सकते हो। और हम लोग अभी यही नहाएंगे, ये गंगा कुंड है देख सकते हो गाइज। सो फ्रेंड देख सकते हो गंगा कुंड जो कि अभी हम लोग यहीं नहाते हैं, स्नान करते हैं श्री राम का निवास स्थल पानी में जो कि बहुत मज़ा आ रहा है गाइस। सो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो व्यू काफ़ी खूबसूरत है, मंदिर है इधर। सो गाइस नहा लेते हैं उसके बाद पूरा डिटेल्स दिखाएंगे। सो गाइस बने रहें ब्लॉग में। गंगा कुंड में स्नान करते हुए हो गया फ्रेंड, अभी हम लोग फाइनली कुंड में नहा धो के फ्रेश होके अभी प्रवेश गेट के पास हैं जो कि यहाँ पे भव्य प्रवेश गेट है, देख सकते हैं गाइस रामरेखा धाम का यहाँ पे। सो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं ये है प्रवेश गेट जो कि यहाँ पे एक बरगद का पेड़ है यहाँ पे देख सकते हो गाइस। गाइस फर्स्ट टाइम रामरेखा धाम, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे जो कि यहाँ पे चप्पल उप्पल यहाँ पे रखते हैं। और यहाँ पे बरगद का पेड़ है गाइस, ये मंदिर। और यहाँ पे क्या है यार, क्या है भाई? गंगा जल, गंगा जल है ये। अरे यार ये देखो भाई गंगा जल, ये है गंगा जल यार, छूना है आज। वीडियो बना तो विनीत। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो गंगा जल है। हमको नहीं बनाया गंगा जल। सो गाइस गंगा जल छू लिए हम लोग, इतना नीचे है कि कहने नहीं, पानी नहीं दिख रहा है। जय शिवलिंग, जय शिव शंभू। सो फ्रेंड ये देख सकते हो गाइस राम का चरण पादुका जो कि आज, और यहाँ पे शिवलिंग है। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, जय हरिओम हरिओम। ये क्या चीज़ है यार, ये क्या चीज़ है? हनुमान का गद्दा है यार, देख लो आज तक यहाँ पे पड़ा हुआ है। देख सकते हो गाइस यहाँ पे ये राम का चरण है, ये वाला है देख सकते हैं गाइस, ये राम का चरण है ये वाला। और ये देख सकते हो गाइस यहाँ पे, और यहाँ पे सरा, और यहाँ पे दान पेटी है यहाँ पे देख सकते हैं गाइस। संत निवास, संत निवास, ये है संत निवास जो कि यहाँ पे भव्य पर्वत, और यहाँ पे देख सकते हो गाइस। सो फ्रेंड यहाँ पे आने के बाद ना बहुत अजीब अजीब चीज़ों को देखने के लिए मिल रहा है,
बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, राम का चरण पादुका देख सकते हैं फ्रेंड। सो फ्रेंड और भी चीज़ें दिखाते हैं आप लोगों को, यहाँ पे बहुत सारा ऐसे देखने लायक है जो कि यहाँ पे देख सकते हो गाइस, सुंदर सुंदर क्या चीज़ बना हुआ है। हमको लगता है सारा चीज़ लोक होगा, देख सकते हैं गाइस यहाँ पे कुछ, और बाकी यहाँ पे है मंदिर जो कि यहाँ पे लोक लगा हुआ है। सो फ्रेंड देख सकते हो श्री राम जय राम, यहाँ पे सारा गेट लोक है, यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ ऊपर रखी हुई हैं। सो फ्रेंड सारा यहाँ पे अभी लोक है, देख सकते हैं। हवन यहाँ का। सो गाइस ये रहा राम रेखा का मेन मंदिर। सो फ्रेंड काफ़ी चीज़ें दिखाएं आप लोगों को, बाकी भी दिखाना है, बने रहे ब्लॉग में गाइस। सो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो गाइस, यहाँ पे पूजा वूजा करने के बाद, फ़ोटो वोटो खिंचाने के बाद यहाँ पे काफ़ी अच्छा नज़ारा है जो कि देखने के लिए मिल रहा है गाइस। सो फ्रेंड यहाँ पे ऊंचाई काफ़ी खूबसूरत है, और वहाँ पे देख सकते हो गाइस मंदिर का, और यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू मिल रहा है, काफ़ी अच्छा खूबसूरत जगह। और यहाँ से देख सकते हो गाइस यहाँ पे घर और सब है, क्योंकि इतना जंगल इतना पहाड़ के बीच में रहता है गाइस। सो यहाँ पे देख सकते हो। सो फ्रेंड रामरेखा का काफ़ी नज़ारा आप लोगों को दिखाए हैं, और व्यू भी काफ़ी खूबसूरत वाला दिखाए हैं, सारा चीज़ दिखाए हैं। आप लोगों को कमेंट करना है गाइस कौन सा पार्ट छूटा है, कहाँ का क्या वहाँ सारा चीज़ आप लोग कमेंट करके बता देना गाइस, वीडियो कैसा लगा, क्या है क्या नहीं, ठीक है। सो फ्रेंड पहली बार रामरेखा धाम आने के बाद यहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ जन्नत का द्वार खुल गया है। सो गाइस बहुत अच्छा लग रहा है, कभी भी आप लोगों को फ्यूचर में कोई इंसिडेंसी मिले तो यहाँ टूर प्लान ज़रूर कीजिएगा। रामरेखा सिमडेगा का, सिमडेगा से लगभग 35 किलोमीटर है, जो कि बहुत खूबसूरत जगह है, श्री राम अयोध्या से यहाँ बसने के लिए आए थे, जो बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। देख सकते हो यहाँ पे मंदिर वंदिर सारा चीज़ है यहाँ पे। एंड एक और अद्भुत चीज़ यहाँ पे है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों को पता नहीं है। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो, ये है जय माँ संतोषी का सीता चौक है, जो कि हम लोग शादी ब्याह या फिर कोई चीज़ में करते हैं वही चीज़ है, यहाँ पे चिन्ह बनाया हुआ है, सीता चौक बोला जाता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो श्री सीता चरण पादुका जो कि यहाँ पे है चिन्ह है। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ऐसे अद्भुत चीज़ें देखने को मिल रही है, जो कि बहुत मज़ा आ रहा है गाइस, बहुत भव्य पुरानी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो कि आप लोगों को आके यहाँ देखना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं समृद्ध शूद्र जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे पर्यटन दर्शक जो कि। सो गाइस ब्लॉगिंग में एंड तक बने रहना, अभी ब्लॉगिंग समाप्त नहीं हुआ है, अभी बहुत लंबा बनेगा ब्लॉगिंग, मज़ा आएगा गाइस। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो गाइस सीता का चूल्हा है, जो कि सीता मैया यहाँ खाना पकाती थी, सीता माँ, सीता चूल्हा जो कि देख सकते हो गाइस यहाँ पे खाना पकाती थी, आज तक है ये इतना रहस्यमय, जो कि अभी तक है, देख सकते हैं गाइस यहाँ पे छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं गाइस ऐसे ऐसे भव्य दृश्य चीज देखने को मिलता है यहाँ पे। ये है रामरेखा जो कि इतना खूबसूरत जगह का बीच में है,
जो कि देख सकते हैं गाइस यहाँ पे, इधर भी जंगल का बीच में घर है, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हो गाइस, ये है अग्निकुंड जो कि यहाँ पे मंदिर बनाया है। सो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो गाइस, ये है अग्निकुंड, ऐसे ऐसे भव्य दृश्य कुछ देखने को मिलता है। यहाँ पे मंदिर बनाया गया है, काफ़ी कुछ नहीं है बट यहाँ पे बहुत रहस्यमयी है, देख सकते हैं गाइस, ये है अग्निकुंड। बहुत गड्ढा है यहाँ, यहाँ का किया गया था यार, अग्निकुंड आग जलता है इसमें, इसमें अपने से गर्म है, अरे यार ऐसा ही हिट रहता है। सो फ्रेंड एक चीज़ बता देना चाहेंगे, ये जो है ना ये महसूस हो रहा है कि ये गर्म है, इसीलिए इसका नाम है अग्निकुंड। हमेशा महसूस हो रहा है कि यहाँ आग जल रहा है टाइप से, पूरा गर्म गर्म महसूस हो रहा है, हीट टाइप से, अंदर में कुछ आग जल रहा है टाइप से महसूस हो रहा है, पूरा भयानक टाइप से। क्या चीज़ का यहाँ ज्वाला निकलता है या फिर कुंड, भगवान ही जाने का इस। सो फ्रेंड चलते हैं, मज़ा तो बहुत आया है, यहाँ अग्निकुंड है जो कि पैर रखे तो ऐसा लग रहा है कि नीचे आग जल रहा है। सो गाइज बने रहें। सो फ्रेंड हम लोग निकलते हैं रामरेखा धाम से, बाकी जितना भी वीडियो में आप लोगों को अच्छा चीज़ लगा और ख़राब लगा कमेंट करके बता देना गाइज, और मोटिवेशन मिलता है आप लोगों का कमेंट और शेयर लाइक से। सो फ्रेंड भाई को सपोर्ट कर देना गाइज, सब्सक्राइब करने मत भूलना। सो गाइज आज का ब्लॉगिंग यहीं समाप्त करते हैं, एडिट करके डालते हैं, और आप लोगों को और कुछ नया ब्लॉगिंग में मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉगिंग में। सो गाइज बाय बाय, टेक केयर, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं। सो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो बंदर, ओ भाई, अरे यार वो भी गोदी किया है भाई।